दोस्तों आसूस तैयार है अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन आसूस जेनफोन 9 को लॉन्च करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली बात करने जा रहा हूँ आसूस जेनफोन 9 के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाली है। इसका एक ऑफिशियल वीडियो जो है बाहर लीक होकर आ चुका है जहाँ से इसकी सारी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करूँगा। इसकी प्राइसिंग जो है क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाली है, इंडियन मार्केट में कब तक आएगा तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आसूस जेनफोन 9 से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में इंटर जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे आसूस जेनफोन 9 का जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में जल्दी जल्दी बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको 5.9 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट ला कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं मानता हूँ कि 5.9 इंच जो है डिस्प्ले काफी छोटा होता है, तो दोस्तों आसूस ने इसे कोशिश करा है कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। तो जिन लोगों को भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए उनके लिए अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। सामने की तरफ जो यहाँ पे आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब कितने मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा ये यहाँ पे बाहर निकल कर नहीं आया, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली मांगा चलिए 16 या फिर 32 मेगापिक्सल, यही दोनों में से कोई एक हमें देखने को मिलेगा। बैक की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज किया जाएगा सोनी का IMX766 वाला सेंसर, जहाँ पे OIS देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको गिम्बल वाला स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो गिम्बल मैकेनिज्म मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो सेकेंडरी कैमरा की कोई भी कंफर्मेशन नहीं, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली मांगा चलिए अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। खैर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी होने वाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आसूस ने ऐसा कुछ भी यहाँ पे वीडियो में नहीं शो करा है कि यहाँ पे कितने वाट का फास्ट चार्जर में देखने को मिलने वाला है, बट हाँ मिनिमम यहाँ पे 30 वाट का तो चार्जर प्रोवाइड करेगी ही करेगी, और अच्छा कुछ करती है तो 65 वाट का हमें देखने को मिल सकता है। अब प्रोसेसर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8+Gen1 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेटेड है। एंड हाँ ये 5G चिपसेट, तो स्मार्टफोन भी जो है 5G स्मार्टफोन बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। यार आसूस आपका ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन, और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर रहे हो, यार इन डिस्प्ले होना चाहिए था, बट नहीं उन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करा है। एंड यहाँ पे जो आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ जो 3.5 mm जैक को यहाँ से रिमूव कर रही है, बट आसूस बहुत अच्छा काम कर रहा है कि 3.5 mm जैक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब डुअल सिम का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। एंड इसमें आपको IP68 का रेटिंग दिया गया है जिसके बाद ये फ़ोन जो वाटरप्रूफ बन जाती है, तो पानी वगैरह से कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचेगा, डस्ट वगैरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन कहानी आसूस जेनफोन 9 की। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जो है क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी जो एक प्राइसिंग लीक होकर आया है जो बताया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट की प्राइसिंग है वो भटकने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 60-65 हज़ार के आसपास। तो अगर 60-65 हज़ार ग्लोबल मार्केट की प्राइसिंग होने वाली है तो इंडियन मार्केट में मानकर चले कि इसकी प्राइसिंग जो है 50-55 हज़ार के आसपास भटकने वाली है। और अगर मैं आपसे लॉन्च के बारे में बात करूँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जो है जुलाई के एंड या फिर अगस्त में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, या फिर हो सके तो 3-4 दिन में जो है यहाँ पर लॉन्च डेट भी अनवील करा जा सकता है। लॉन्च डेट के बारे में यहाँ पे कुछ अभी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली आप मानकर चलिए कि जुलाई के एंड में आता है तो आता है, नहीं तो अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। और इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो भाई अगर किस्मत अच्छी रही ना तो इस साल के एंड तक देखने को मिलेगा, किस्मत अच्छी रही तब, और किस्मत अच्छी नहीं रही तो फिर अगला साल वेट करो कि अगला साल आसूस जेनफोन 9 हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था आसूस जेनफोन 9 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।